हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग एकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कोरल रीफ्स के बारे में। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने पॉलीमॉर्फिज्म ख़त्म कर लिया था, तो आज बात करते हैं हम लोग कोरल रीफ, जो कि हमारा सिलेंटेट का लास्ट टॉपिक है। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज? कोरल रीफ, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रवाल भित्ति। देखिए, जो कोरल रीफ्स होती हैं उसकी कुछ ब्यूटीफुल पिक्चर्स देखते हैं हम थोड़ा सा। देखिए, ये हमारे कोरल रीफ्स हैं। देखिए कितनी ब्यूटीफुल्स हैं, कितनी अच्छी इसकी यहाँ पे सुंदर दृश्य देखिए। देखिए कोरल रीफ्स, देखिए जो कोरल रीफ्स हैं ये कैसे बनती हैं और इसका सिलेंट्रेट इसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में चलिए इसको कुछ हम देखते हैं आज। देखिए, हम जब पढ़ रहे थे सिलेंट्रेट्स, उसमें हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था, क्लासिफिकेशन में क्या देखा था हमने? तीन तरह के क्लास थे, हमने देखा था कौन कौन से। हमने देखा था हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और लास्ट हमारा क्या था? एंथोजोआ। तो जो ये एंथोजोआ का था, हमने इसमें बात की थी क्या कि कोरल्स जो होते हैं, कोरल जो पॉलिप्स होते हैं इसी के अंदर आते हैं, किसमें? एंथोजोआ में। और हमने दो तरह के फॉर्म पढ़े थे, जो हमने नाइडेरियंस पढ़े, नाइडेरियंस पढ़े थे हमने। दो तरह के फॉर्म पढ़े थे, कौन कौन फॉर्म पढ़े थे हमने? एक हमने पढ़ा था मीड्यूसा, एक हमने पढ़ा था क्या? पॉलिप। जो ये कप शेप था ये क्या था हमारा? मीड्यूसा था। और जो ट्यूबुलर फॉर्म था वो क्या था? पॉलिप्स था। ये जो पॉलिप्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक कौन से होते हैं? एक सॉफ्ट, एक होता है क्या? हार्ड। एक सॉफ्ट पॉलिप, एक होता है हार्ड पॉलिप। देखिए जो ये हार्ड हमारा पॉलिप होता है, देखिए जो सॉफ्ट पॉलिप होता है ये करता है, ये किसी भी तरह के कोरल रीफ को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। कौन? ये हमारे जो मतलब जिसे हमने ओबेलिया पढ़ा था, हमने फिर उसको पढ़ा था हाइडेक्टिनिया पढ़ा था, कि किसी भी तरह कोरल को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। कौन से? हमारे सॉफ्ट जो हमारे पॉलिप्स होते हैं, जो ये हमारे हार्ड पॉलिप्स होते हैं ये करते हैं। यही क्या होते हैं? यही क्लास किस में आते हैं? एंथोजोआ में। किस में आते हैं क्लास? एंथो, ये क्लास एंथोजोआ में आते हैं। और ये क्या करते हैं? यही जो हमारे कोरल लीव्स है उसको बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं एल्काइनेरियंस, और हमने देखा था मैड्रीपोरेरियंस एक्सेट्रा। इस तरह के जो पॉलिप्स होते हैं, हार्ड पॉलिप्स, ये करते हैं, यही होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन करते हैं और लाइम स्टोन या क्या बनाते हैं हमारा? कोरल रीफ्स या प्रवाल भित्ति या कोरल चट्टाने। देखिए, अब देखिए ये क्या होता है, जो ये हार्ड हमारा जो हमारे हार्ड कोरल्स होते हैं, ये हमारे हार्ड कोरल्स होते हैं इनके टिश्यू के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग जूजेंथली। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? जूजेंथली। ये क्या होता है? ये एल्गी है। देखिए यहाँ पे हमने पिक्चर लगाई है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें? जो इसका हमें इसके टेंटिकल्स दिख रहे हैं, इसमें ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? यही क्या है इसके अंदर में हमें दिख रहा है क्या? ये जूजेंथली दिख रहा है, जो क्या करेगा? देखिए ये क्या कर रहा है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में किसके साथ है? इस हार्ड कोरल के साथ। देखिए इस जूजेंथली को क्या मिलता है? ये जूजेंथली होता है, जो कि कोरल रीफ के बनने में एक बहुत ही प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट चाहिए, जो कि जूजेंथली को चाहिए। जूजेंथली क्या करता है? जूजेंथली को मिलता है क्या? इसको मिलता है एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट। क्या मिलता है इसको? एक प्रोटेक्टिव एंड किसको मिलता है? इस जूजेंथली को एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिलता है। ये जूजेंथली ग्रीन है, तो ये क्या करेगा? ये फोटोसिंथेसिस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा? एनर्जी। और अपना ये क्या करता है? ये करता है फोटोसिंथेसिस करेगा और बाई प्रोडक्ट बनाया क्या? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए इसको इन्वायरमेंट मिल गया, ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है।
अब ये करता है हमारा, ये जो हार्ड हमारा कोरल्स है, जिसके ये जो हार्ड कोरल्स के टेंटिकल्स में जो टिश्यूज है उसमें क्या पाया जा रहा है, जूजेंथली। और जो हार्ड हमारे कोरल्स है ये कैल्शियम, कैल्शियम आयन और कौन सा कार्बोनेट आयन क्या करते हैं, ये कैल्शियम और कार्बोनेट आयन हमारे सी वाटर से लेते हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस से क्या जो ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी यूज़ करते हैं, और जो इसका कार्बन है जो जो जंतली प्रोड्यूस कर रहा है उसका भी यूज़ करके क्या बनाते हैं, ये एक हार्ड हार्ड स्केलेटन, ये हार्ड स्केलेटन सिक्रीट करते हैं अपने नीचे। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स में, देखिए जो पिक्चर्स है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ऊपर हमारा कोरल दिख रहा है, उसमें टेंटिकल देखिए जूजेंथली भी दिख रहा है हमें, और यहाँ पे जूजेंथली के नीचे हमें क्या दिख रहा है, जो स्केलेटन यहाँ व्हाइट पार्ट दिख रहा है, यह कर रहा है ये पूरा सिक्रीट करते 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 एक पूरा पूरा आइलैंड बना लेता है, कौन ये हमारा हार्ड जो पॉलिप हमारा है। अब देखिए ये जो क्लस्टर में पाए जाएंगे कुछ देखिए इस तरह दिखाई पड़ेंगे, देखिए एक के बगल बगल में क्या है, ये आपस में मिले जुले हैं और क्या कर रहे हैं नीचे अपने कोरल्स को, ये जो हार्ड स्केलेटन है इसको सिक्रीट करते हुए क्या बनाएंगे, कोरल रीफ। देखिए जो ये हमारे कोरल्स हैं इनको एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें ये ग्रो कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं, क्या कंडीशंस हैं देखिए, पहला जो टेम्परेचर होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, 23 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्या होना चाहिए, नेक्स्ट क्लियर क्लियर वाटर होना चाहिए, क्लियर वाटर मीन्स जो वाटर होगा वो फ्री ऑफ सेडिमेंट, फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स, ये फ्री फ्रॉम सेडिमेंट्स होना चाहिए, कौन ये जो हमारा वाटर है जिसमें पाए जाएंगे। फिर क्लीन वाटर, क्लीन वाटर मीन्स ये जो पोल्यूशन फ्री फ्रॉम पोल्यूशन में होना चाहिए, क्योंकि ये जो कोरल्स होते हैं हमारे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, किसके लिए, हमारे पोल्यूशन जो होता है उसके लिए, क्या होता है ये फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, जो वाटर होना चाहिए वो क्या सेलाइन वाटर होना चाहिए, सेलाइन वाटर मतलब सी वाटर में ये हमेशा दिखाई पड़ेंगे हमें, देखिए वाटर सेलाइन होना चाहिए, ये कभी भी हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं, किसे मिलते हैं हमेशा, ये हमारे सी या ओशन में या सेलाइन वाटर में ही मिलते हैं, कौन ये हमारे कोरल्स। पर इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है वो देखते हैं, देखिए ये जो डायग्राम दिख रहा है हमें, ये जो हमारा डायग्राम दिख रहा है इसमें जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो बीच का रीजन है जिसे ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, उस रीजन में क्या होता है, उस रीजन में हमारा ये जो हमारा ये कोरल रीफ्स है वो ग्रो करते हैं, क्यों, क्योंकि जो हमारा ये जो कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं इस कॉन्टिनेंट्स में, इन कॉन्टिनेंट्स के जो ईस्टर्न साइड्स होती है उस पर हमेशा कोरल दिखते हैं, क्यों दिखते हैं, क्योंकि हमने दो तरह की जल धाराएँ पढ़ी होंगी, जो कौन कौन सी ठंडी जल धाराएँ और गर्म जल धाराएँ, तो जो गर्म जल धारा है हमें किस पे दिखती है, हमें ईस्टर्न साइड हमेशा दिखती है कॉन्टिनेंट्स के, इसलिए क्या करते हैं ये ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है किसके, कोरल्स के ईस्टर्न साइड पे। अब देखिए इंडिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिए इंडिया में कुछ हमें दिख रहा है यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास, कुछ थोड़ा बहुत गोवा के पास, लक्षद्वीप के पास, हमें कहीं कहीं ये इंडिया में भी दिखाई देते हैं। अब देखिए ये जो रीफ्स होते हैं ये तीन तरीके से हमें दिखाई पड़ते हैं, जो कि एग्ज़ाम में जिसे क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए कौन कौन से रीफ्स होते हैं, ये एक होता हमारा फ्रिंजिंग रीफ, नेक्स्ट हमारा कौन सा होता है फ्रिंजिंग रीफ, एक होता हमारा बैरियर रीफ एक होता हमारा एटॉल रीफ। देखिए फ्रिंजिंग बैरियर एंड एटॉल रीफ, देखिए जो फ्रिंजिंग रीफ है इसको तटीय प्रवाल भित्ति भी कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्या करते हैं, जो हमारा मेन लैंड है उसके किनारे किनारे पे ये उगी होती हैं, कौन उगी होती है मतलब किनारे किनारे ग्रो करते हैं, कौन ये हमारी फ्रिंजिंग रीफ। देखिए कैसे दिखती हैं ये, जैसे मान लीजिए मेन लैंड है,
देखिए मेन लैंड ये हमारा है और यहाँ पे क्या है वाटर, यहाँ पे हमें जो दिख रहा है ये हमें, ये हमारी देखिए कोरल जो रीफ हो गई, जो हमारी कोरल हो क्या होगी यहाँ ग्रो करेगी और ये कुछ इस तरह ग्रो करेगी। यहाँ पे क्या कभी कभी ये थोड़ा ऊपर वाटर से दिखाई नहीं लगती, इसको क्या बोलते हैं हम लोग रीफ एज, इसको बोलते हैं हम लोग रीफ फ्लैट, इसको क्या बोलते हैं रीफ फ्लैट। ये हमारा मेन लैंड है। देखिए इस देखिए क्या है जो इसकी दूरी हमें दिखाई पड़ती है और ये काफ़ी कम दिखाई पड़ती है, ये दो दूरी हमारी है ये काफ़ी कम, ये छिछले छिछले समुद्र में ही हमें दिखाई पड़ता है। कौन ये हमारी फ्रिंजिंग रीफ्स जो ज्वालामुखी द्वीप होते हैं उस पर ये हमेशा हमें दिखाई पड़ती है एक छिछले समुद्र में, कौन ये हमारा फ्रिंजिंग रीफ। देखिए जो नेक्स्ट है देखिए फ्रिंजिंग रीफ की कुछ पिक्चर देखिए, देखिए ये हमारी क्या है फ्रिंजिंग रीफ दिख रहा है मेन लैंड है और मेन लैंड के किनारे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा सा और भी हमें दिख रहा है यहाँ पे रीफ फॉर्मेशन दिख रहा है वो क्या है हमारा फ्रिंजिंग रीफ। देखिए नेक्स्ट है बैरियर रीफ, ये कुछ इसी जैसे इसी तरह है पर ये क्या है देखिए मेन लैंड ये है, ये हमारा क्या है रीफ एज, पर ये जो डिस्टेंस हमें दिख रही है ये डिस्टेंस क्या होती है ये डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है। देखिए रीफ जो हमारा रीफ यहाँ ग्रो कर रहा है इस रीफ यहाँ ग्रो करेगी और ये हमारा मेन लैंड है और इसके बीच में जो ये जो पानी भर गया है जो ये पानी है जो ये वाटर है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग लगून, क्या बोलते हैं हम लोग लगून, क्या बोलते हैं लगून। देखिए कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं इसको हम, देखिए मेन लैंड ये है तो ये कुछ पैचेस के फॉर्म में पाई जाती हैं, ये क्या होता है पैचेस के फॉर्म में पाई जाती है। ये क्या करती है जो ये वाटर हमारा है ये जो इधर से मेन वाटर है जो हमारा ओशन का ये कर रही इस वाटर को इस मेन लैंड से टकराने से क्या करती है रोकती है एक बैरियर काम करती है, इसको क्या बोलते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बैरियर रीफ। देखिए जो ये हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है उस पर देखिए जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है उसके जो क्वींसलैंड जो हमें दिख रहा है उस पर क्या है एक ग्रेट बैरियर रीफ है जो कि इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। देखिए कुछ इसकी रियल पिक्चर देखिए, देखिए इसकी रियल पिक्चर को जिस तरह दिख रही है देख रहे हैं क्या आप, इसमें देख रहे हैं कि आप ये बीच में इस तरह मेन लैंड दिख रही है उसमें क्या है बीच में लगून दिख रहा है और इधर रीफ है और ये इधर मेन ओशन जो हमारा है उससे क्या कर रही है बैरियर काम कर रही है मेन लैंड से टकराने से रोक रहा है, कौन ये रीफ। नेक्स्ट हमारा दिख रहा है जो हमारा एटॉल रीफ है ये कैसे पाया जाता है, इसे मेन लैंड नहीं दिखाई पड़ता और ये क्या कर रहा है ये कुछ इस तरह दिखाई पड़ रहा है हॉर्स शू शेप हमें दिखाई पड़ता है कुछ पैचेस के फॉर्म में दिखाई पड़ता है कुछ ब्रेक ऑफ चैनल्स दिखाया यहाँ देख क्या ये हमें दिख रहा है बीच में लगून है ये क्या है लगून और हमें क्या दिख रहा है साइड में पैचेस के फॉर्म में क्या दिखाई पड़ रहे हैं हमें दिख पड़ रहे हैं हमारे कोरल आइलैंड या लगून आइलैंड, ये कोरल रीफ हमारे दिख रही है और बीच में क्या है ये लगून। देखिए कुछ इसकी पिक्चर देखिए, देखिए पिक्चर किसकी है एक एटॉल रीफ की पिक्चर है तो ये जो पिक्चर है एटॉल रीफ की है कुछ इस तरह से पाई जाती है। तो हमने आज ख़त्म कर लिया क्या कोरल रीफ, एग्ज़ाम में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कोरल रीफ से कि फ्रिंजिंग रीफ कहाँ पाई जाती है, तो फ्रिंजिंग रीफ पाई जाती है जहाँ पे हमने ज्वालामुखी हमने देखा द्वीप होते हैं उसमें जो छिछले समुद्र उसमें पाई जाती हैं, बैरियर रीफ हमने देखा एग्जाम्पल ग्रेट बैरियर रीफ जो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ पाई जा रही है हमारी, हमने देखा एटॉल रीफ जो कि क्या होते हैं जो कि समुद्र के किनारे समुद्र के बीच में हमें पाई जा रही हैं और उसमें क्या बीच में लगून और साइड में क्या दिखाई पड़ रहा है साइड हमें दिखाई पड़ रहे हैं कोरल रीफ्स।